बालोद जिले के कवर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सांगली में बेटे ने संपत्ति विवाद पर पिता पर टंगिया से प्राण घातक हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जिला अस्पताल की पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांगली निवासी नरेश निषाद, जिसकी उम्र 65 वर्ष है, के 3 बेटे हैं। सभी अलग अलग रहते हैं। पिता अपने पुत्र दिनेश निषाद के साथ रहते हैं। 29 मार्च की सुबह दिनेश अपने काम से निकल गया था। इसके बाद उसका सबसे बड़ा भाई भगत निषाद घर पहुंचा। पिता के साथ उसकी संपत्ति को लेकर विवाद हो गया। उसने कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर प्राण घातक हमला कर दिया। पिता वही लहूलुहान होकर गिर गए। इसके बाद भगत निषाद ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ग्रामीणों की मदद से लहूलुहान स्थिति में नरेश निषाद को पलारी के अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धमतरी रेफर कर दिया गया। घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कवर पुलिस चौकी प्रभारी कैलाश चंद मरई ने बताया कि भगत निषाद ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर दिया और पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का अपराध दर्ज किया गया है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।